ऑल राइट गाइज, वीवो के नए फ्लैगशिप फोन वीवो V25 प्रो के बारे में तो आपने सुना होगा, तो आपने उस फोन की काफी प्रमोशनल वीडियोस भी देखी होंगी। तो प्रमोशनल वीडियोस तो सबको ही दिखाता है, लेकिन मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स कोई नहीं बताता है। आज हम उस फोन के मिस्टेक्स ही नहीं बल्कि कुछ अच्छे फीचर भी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो Vivo V25 Pro का एक पहला ज़बरदस्त फीचर कि उसमें डिस्प्ले AMOLED लगी हुई है और HDR 10 प्लस है उसमें। तो ब्राइटनेस 1300 nits जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइटनेस रेट है। लास्ट फ़ोन की हमने बात की थी Redmi K50, आई उसमें 650 nits थी। तो इस फोन के सेकंड फीचर की बात करें तो इस फ़ोन में कलर चेंजिंग फीचर है जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया है। इस फ़ोन के मिस्टेक्स की बात करें तो इस फ़ोन में हेडफोन जैक नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। इस फ़ोन में SD स्लॉट भी नहीं है, ये भी अच्छी खासी प्रॉब्लम है, गजब बेइज्जती है। सेकंड मिस्टेक की बात करें तो इस फोन में FM रेडियो भी नहीं है और NFC भी नहीं है जो कि होना चाहिए था। तो तीसरे मिस्टेक की बात करें तो इस फोन में एक लाउड स्पीकर दिया हुआ है जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक, आई थिंक दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस फोन। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन आ रहे हैं अंडर 10,000, उनमें भी ड्यूअल स्पीकर है, तो इस फ़ोन में सिंगल स्पीकर है और उन फ़ोन में डॉल्बी एटमस है और इस वाले फ़ोन में डॉल्बी एटमस भी नहीं है। तो दिस इज़ आल्सो द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस फोन। तो चौथी प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं भी वेबसाइट पे जाएं, जैसे GSM Arena या 91mobiles.com पे, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ काफ़ी कस्टमर्स के रिव्यू आए हैं कि ये फ़ोन ओवर हीट होता है, तो ये भी एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो फिफ्थ मिस्टेक की बात करें तो ये भी एक ज़बरदस्त मिस्टेक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 64 megapixel इसमें कैमरा दिया हुआ है और उसके साथ 2 megapixel मैक्रो कैमरा। 2 megapixel यार क्या है यार, 2 megapixel कुछ भी नहीं है। आई थिंक 2 megapixel दिस इज नथिंग इज दिस। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।